मंत्री कमलनाथ को राज्यसभा प्रत्याशी न बनाए जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का आलाकमान कमलनाथ से किनारा कर रहा है और एमपी कांग्रेस में अब कमलनाथ युग का समापन हो गया है। कमलनाथ को पहले प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और अब उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा जा रहा। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस विधायक राम निवास रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के आरोप बेबुनियाद है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता के आग्रह पर ही अशोक सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। लगता है मध्य प्रदेश कांग्रेस से कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और इसलिए कांग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा। पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्ष की कमान ली जा चुकी है। की कोई बात नहीं है, कमलनाथ जी के ही प्रस्ताव पर उनको राज्यसभा टिकट मिला। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कमलनाथ को प्रत्याशी नहीं बनाया, इस बात का गुस्सा तो तमाम ऐसे कार्यकर्ता है कांग्रेस के उनमें तो नजर आ ही रहा है, लेकिन बीजेपी को मुद्दा मिल गया है कि अब वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। यानी सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि एमपी में कमलनाथ का युग खत्म हो गया है, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कमलनाथ को जब राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को दुख जरूर हुआ, लेकिन चुटकी लेने का मौका जो है वो बीजेपी को मिल गया। और साफ तौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ युग का समापन हो चुका है और कमलनाथ को अब पार्टी का आलाकमान के नेता जो है उनकी जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जब उनका नाम राज्यसभा के लिए चलने लगा तो उनकी जगह अशोक सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया है। ये आरोप जो है वो सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से हालांकि पहले ही कमलनाथ खुद ये बात साफ कर चुके थे कि वो दावेदारी नहीं कर रहे न उनको राज्यसभा जाना है, और यही कारण है कि उनके विधायक रामनिवास रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कमलनाथ के कहने पर। ठीक है शैलेंद्र, वापस आपके पास आऊंगे। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। पंकज जी, यहाँ पर क्या मान लिया जाए कि कमलनाथ का युग खत्म हो गया है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं? देखिए, हमारे अंशिका जी कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। आप कमलनाथ जी के युग की समापन इसलिए मानिए कि कमलनाथ जी को जिस प्रकार से त्याग पत्र का अवसर दिए बगैर हटाया, वो विदेश में थे, उनको पद से हटा दिया। हटाने के बाद कमलनाथ जी को जितेन पटवारी को आशीर्वाद देते हुए कोई चित्र यहाँ तक के ट्वीट तक नहीं, अंशिका जी हाँ। कहें कि तुम मेरे पुत्र बहुत हो, तुमको मैं सम्मान देता हूँ। भाई, कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, जितेन पटवारी अध्यक्ष, व्यवस्था कांग्रेस के मालिकों ने बनाई है, पर कमलनाथ वहां से नाराज। उसके बाद कमलनाथ जी का जैसे नाम राज्यसभा के लिए आया, जितेन पटवारी कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी का नाम मत पेश रास्तों में जाएगा, यानी पूरी कोशिश। जब कमलनाथ जी हटे, पटवारी जी बने, तो पटवारी जी ने कहा कि अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म, यानी अब तक कमलनाथ दिग्विजय सिंह गुटबाजी कर रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? अभिनव जी जुड़ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव जी, क्या चल रहा है? ये उम्मीद थी कमलनाथ जी को कि राज्यसभा तो भेज ही देगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष से तो आपने हटा ही दिया, लोकसभा चुनाव के पहले जीतू पटवारी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन राज्यसभा तो भेजना ही चाहिए था। क्या सर्वसम्मति से अशोक सिंह को राज्यसभा भेजा गया? इतनी चिंता क्यों है भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को? देश की चिंता क्यों नहीं है? देश में इतना अराजक माहौल चल रहा है, किसान परेशान है, लूटपाट मची हुई है, जनता परेशान है, और कांग्रेस की चिंता? सब अच्छा चल रहा है, अशोक सिंह जी ने खुद बयान दिया, सबकी सहमति से हुआ है सारी चीजें, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी का भी आशीर्वाद है, पूरी कांग्रेस का आशीर्वाद है, पूरी कार्यकर्ताओं का है, तो फिर इतनी बवाल क्यों? भैया, अपनी पार्टी में देखो कि मोहन सरकार क्या कर रही है। मोहन यादव जी आए हैं तो शिवराज सिंह चौहान जी कहाँ हैं, कैलाश जी क्या कर रहे हैं, नरोत्तम जी क्या कर रहे हैं, वी डी शर्मा जी को क्या चाहत है, उस पर बात करना चाहिए। अब अपनी अपनी पार्टी की बातें करने से बचने के लिए यहाँ पे दूसरी बातें करने लगते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है कि सब ऑल इज वेल है कांग्रेस में और इसी की उम्मीद भी थी। बहुत शुक्रिया अभिनव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नर्मदा